हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर काफ़ी सारे स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप से जुड़े हुए हैं जो जिनके लिए हम विभिन्न प्रकार के वीडियो लाते भी हैं और इसी क्रम में एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, उस पर हमें ये वीडियो बनाना पड़ा कि अगर आपने इस प्रकार से फॉर्म भरा है तो आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा। तो देखते हैं कि आपने अगर कौन से प्रकार से फॉर्म भरा है, किनका ऑफर लेटर आएगा और किनका ऑफर लेटर नहीं आएगा, ये आपका फॉर्म ही लगभग डिसाइड कर देता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक ऐसा फॉर्म भरा है तो अभी आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑफर लेटर आपको प्राप्त नहीं होगा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दी जाने वाली इंस्पायर स्कॉलरशिप यानी 80,000 रुपये पर ईयर की दर से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है डिपार्टमेंट की ओर से, वो आप को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक स्टूडेंट का हमने फॉर्म आपके सामने ओपन किया है। यही वो फॉर्म है जिससे तय होता है कि आपका ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत आते हैं लेकिन जब फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद लगातार इंतजार करते हैं और मई जून के महीने में जब सब स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ जाता है लेकिन उनका ऑफर लेटर नहीं आता है, तब उन्हें कहीं जाकर पता चलता है कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड कहीं ना कहीं जहाँ पर आप फॉर्म भरवाते हैं उन लोगों को द्वारा किया जाता है जानकारी के अभाव में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर में फॉर्म कैसे भरा जाता है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवाते रहते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है जिससे कि आपका ऑफर लेटर 100% आए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल से जुड़े हुए नहीं होते हैं या उस वीडियो को अवॉइड कर देते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम अपना वीडियो हमने डाला था कि इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, उसका लिंक आपके उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया, उसमें हमने बताया था कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल सबमिट करने में कैफे वाले यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं जानबूझकर या उन्हें जानकारी अगर नहीं होती तो इसलिए ये खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कैफे वालों का काम होता है केवल आपका फॉर्म भरना, 100-200 रुपये इतने लेकर आसानी से वो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन जब सबमिट नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम फाइनली वो वर्ड हमने यूज किया जब सबमिट नहीं करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन लिखा है लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा है, इट दिस इज ड्रॉप्ड, डू नॉट सेंड दिस टू DST और अप्लीकेशन स्टेटस में लिखा अप्लीकेशन नॉट सबमिटेड। मतलब हमने आपको जब वो वीडियो बनाया था कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें तो उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ड्राफ्ट सेव कर लें और उसके बाद सारी डिटेल अपनी A to Z डिटेल चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल ठीक है तो उसके बाद फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और फाइनल सबमिट को क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर दें, उसका पीडीएफ निकाल के प्रिंटआउट ले लें। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल यहाँ पर एज ए ड्राफ्ट सबमिट करते हैं, यानी यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, जबकि आपका फाइनल एप्लीकेशन में क्या आना चाहिए कि अब सबमिटेड। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा एक स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका, ये देखिएगा एप्लीकेशन स्टेटस में क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेटस में आपका आना चाहिए सबमिटेड, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड नहीं आना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट नहीं किया है तो तुरंत जाइए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, वहाँ पर लॉगिन करिएगा और अपनी एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट का फाइनल सबमिट होता है वही इंस्पायर की रेस में बने रहते हैं और उनका ही ऑफर लेटर आता है, और जिनका सबमिट नहीं होता है तो बिल्कुल ऑफर लेटर की रेस में ही आप कहीं नहीं होते हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप पाने की रेस में ही आप कहीं नहीं होते हैं और आपका ऑफर लेटर भी बिल्कुल 1% भी नहीं आता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तुरंत जाइएगा, अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा, आपके एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिटेड लिखकर आना चाहिए, एप्लीकेशन नॉट सबमिट लिखकर नहीं आना चाहिए और एप्लीकेशन एज ए ड्रॉप्ड लिखकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पर एक पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे और लगातार उन्होंने अपना एप्लीकेशन हमारे पास भेजा कि सर हमने कैफे वाले से फॉर्म भरवाया था और हमारा ऑफर लेटर नहीं आया था, और जबकि उनका परसेंटेज उनके बोर्ड के टॉप परसेंट से 2% ज़्यादा था, आप समझ सकते हैं। वो भी लिंक हमने प्रूफ के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर
करा दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से प्रूफ के साथ देखें कि ऐसा आपके साथ होता है कहीं ना कहीं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है 4 लाख रुपए ना मिलकर। तो कन्फर्म रहिएगा, अपने एप्लीकेशन को तुरंत चेक करिएगा, अगर आपका एप्लीकेशन नॉट सबमिट है तो तुरंत उसे सबमिट करिएगा। तो यही था आपको वीडियो बनाने का पर्पस, जिससे कि स्टूडेंट अवेयर हो सके और फाइनली इंस्पायर स्कॉलरशिप की रेस में शामिल हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक पर हमारे वीडियो आ चुके हैं या लगातार आ रहे हैं, जो भी नया ट्रेंडिंग कोई टॉपिक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें। आप हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जीमेल आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, और आपको व्हाट्सएप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी लिंक प्रोवाइड करा दिया, आसानी से वहाँ पर आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।